प्रिय भाइयों बहनों, एक बार किसी राजा ने जंगल जाकर एक शेर को पकड़कर अपने दरबार पर ले आया और अपने चेलों को कहा कि आप इसे भोजन खिलाइए। और उनके शिष्यों ने उस शेर को पिंजरे पर रखा और भोजन के लिए उसके अंदर और उसके पास गया तो शेर ने उस सेवक को पकड़कर खा लिया। और फिर दूसरा सेवक ने दूसरा दिन उसे भोजन देने के लिए गया, लेकिन वह सेवक समझ गया था कि शेर खूंखार है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उनके नज़दीक जाने का कोशिश किया, उसे दूर से भोजन खिलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसके नज़दीक आ गया, उसे संवारने लगा। और उन्होंने अपने राजा का कपड़ा पहनकर उसका वस्त्र लिए वे उस शेर के नज़दीक जाने लगा और शेर उसे पहचानने लगा। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने राजा को अपने साथ लेकर उस शेर से मिलाया। उस शेर को जरूर हिचकिचाहट हुई, लेकिन शेर ने उसे जल्दी ही पहचान लिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसी प्रकार आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि ईश्वर ने कई सारे नबी भेजे इस दुनिया में, उन्होंने अपने बारे में बताने के लिए कि मैं ही सृष्टिकर्ता हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, लेकिन लोगों ने उसे कहां माना, लोगों ने उसे तिरस्कृत कर दिया, उसे मार भगाया। कई सारे नबी आए, लेकिन किसी ने किसी का कुछ भी नहीं सुना। और इसीलिए आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं कि मूसा ने जिसे उस मिस्र देश से इसराइलियों को भगा कर ले आया और उस जगह पर लाया जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती थी, सब कुछ उन्हें मिलता था। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह खुद एक परमेश्वर होकर, खुद एक राजा होकर हम मनुष्यों के बीच में आते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हमें उस ईश्वर की ओर लेने के लिए आए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें तिरस्कृत करते हैं, इसलिए वे उन्हें धिक्कारते हैं। धिक्कार आप सबों को, कोरासीन और बेतसैदा। यदि यही घटनाएं, यही चीज, यही चमत्कार यदि उस प्रदेश में होता जहां तेरूस और सोदोम है, तो शायद उनकी दशा, उनकी लेन देन शायद बेहतर होती, लेकिन आप लोगों ने इन चीजों को नहीं सुना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें धिक्कारते हैं, उन्हें नकारते हैं कि आपकी दशा बहुत दयनीय होगी, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन और एक राज्य था जो खुशियां मना रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने केवल उन दो राज्यों को ही धिक्कारा। और इसलिए कपरनाऊम को भी कहता है कि आप खुशी मत मनाओ, आप यह मत सोचो कि आप स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाओगे, लेकिन आप उस नरक के जलते हुए आग में भी आप फेंक दिए जाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे बच्चे हैं और उन बच्चों को यदि हम कहें कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करो, है ना, जॉन, माती और जो भी हम नाम उन्हें देते हैं, आप पढ़ाई कीजिए नहीं तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन यदि दूसरा बच्चा को यदि हम उन्हें डांटते नहीं हैं, तो वे खुशियां मनाते हैं कि हमें तो हमारे माता पिता कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसे भी नाम पकड़कर आप कहिए कि आप खुशियां मत मनाओ कि आपको हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप भी यह मत समझो कि आप पास हो जाओगे, लेकिन आप भी नहीं पढ़ोगे तो आप भी फेल हो जाओगे। तो इसी प्रकार हमारे प्रभु ईसा मसीह हम प्रत्येक जन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें लगन करना है, परिश्रम करना है स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए। इस संसार में जितने भी अच्छे चीज दिए गए हैं, नबियों द्वारा अच्छे चीज बताई गए हैं, बाइबल पर हमारे प्रभु ईसा मसीह ने जो शब्द बताए हैं, उन सभी चीजों को हमें सुनकर उस पर चलना है, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तो आइए इन सभी चीजों को हम अपने मतलब पर रखें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन चीजों को मनन चिंतन करने के लिए और लागू करने के लिए हमें आशीष एवं कृपा दे, जिसे हम आपके रास्ते पर, आपके राज्य तक पहुंच सकेंगे। आइए हम कुछ देर मौन रहें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें।